हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज इंडियन और आप देख रहे हैं इस वक्त नवाबों के शहर नहीं है, नवाबगंज है, क्योंकि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और इस वक्त नवाबगंज में हम चाय की चुस्ती ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं, यकीन ना हो तो। ये कुल्लड़ वाली चाय है और किन लोगों के साथ बैठा हूँ चाय पीने के लिए, ये हमारे बहुत खास मित्र। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं आशु बच्चन, ये रियाज भाई। आज बैठ के चाय पीने का मौका मिला तो खुश नसीबी है, तो बहुत अच्छा लगा, नमकीन भी धरी। तो ये आशु बच्चन, आशु भाई हैं, आशु बच्चन नाम है इनका। इनका नाम बच्चे बच्चे जानते हैं, क्योंकि बच्चन को कौन नहीं जानता। वो याद आएगा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, ओ इसीलिए आंसू ने तुम्हें आज चाय पे बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। और साथ में ये हमारे सिराज भाई, और ये और चाय को और चाय वाले को कौन नहीं जानता आज इस दुनिया में। तो दोस्तों, ये सच में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों के बाद हम दोस्त लोग मिल रहे हैं। ये आप सबको मैं व्हाट्सअप करूंगा, ये खाकर बताना कैसा लगा। देखियो, ऐसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, दोस्तों सभी से मिलते हैं और सभी अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन कुछ आदमी कुछ खास होते हैं। रियाज भाई से हम सच्ची आत्माओं से प्यार करते हैं, जब ये इधर आते हैं तो हमें मिलने का सौभाग्य मिलता है। और आज ये हमारे पास रूम पे रहे हैं 2 घंटे, अब चाय पीने आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रहे हैं कि ये दिन यहीं थम जाए, रात हो ना। नहीं, सच में आशु भाई से जब मिलते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। ये तो 2 घंटे इन्होंने नोट किया होगा, हमने तो नोट भी नहीं किया है जी। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये के साथ वीडियो शूट करने के लिए बहुत गजब की वीडियो इनकी आएगी रियाज इंडियन यूट्यूब चैनल पर और सिराज आशु बच्चन पर। तो आप लोग प्यार बना के रखें, और नवाबों का शहर नहीं, वाकई में नवाबगंज है। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, तो पग पग दीप जलाए, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मजा आ गया, महफिल जमा दिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, महफिल जमा दिया, मजा आ गया भाई। अब इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि रियाज भाई इस पर फिर से एक्टिव हो गए हैं, इनकी चार्जिंग फुल हो गई है, बेहतरीन वीडियो सर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, दबा के शेयर करो, दबा के सपोर्ट करो भाई को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ये बंदे जी। और सबसे दुख की भरी बात तो ये हो गया, बताते मुझे सर, हम लोगों भाई की शादी नहीं हुई। थैंक यू दोस्तों, ठीक है दोस्तों।